दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे ECS T10 मैच के बारे में जो कि यहाँ से खेला जाएगा रॉयल क्रिकेट क्लब वर्सेस कलंदर्स के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन भी करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम आपको यहीं पर मिलेगी। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप ही करा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो यार YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी अब टीम के बारे में, विकेट कीपर में मुनीर का सबसे पहले ऑप्शन होने वाला है, जो कि आपको नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। रीसेंट में 31 रन इन्होंने करे थे दोस्तों, और उस मैच में बॉलिंग भी करवाई, हालांकि बॉलिंग से कुछ ही नहीं कर पाए। वहीं अगर मैं यहाँ से बात करूँ, उससे पहले बॉलिंग से 1 विकेट निकाले थे। ये बंदा विकेट कीपर में दिया हुआ है लेकिन बॉलिंग करवाते हुए मे भी नज़र आने वाले हैं, तो आप इनको अपनी टीम में आसानी से लेके चल सकते हो। वहीं दोस्तों यहाँ पे आर बहल का, राहुल का आपके पास ऑप्शन है, ओपन करेंगे, हार्ड हिटर बैट्समैन है। रीसेंट में 23 रन इन्होंने करे, 22 रन इन्होंने करे, 2 रन करे, 18 रन करे, छोटी छोटी इनिंग्स खेली है लेकिन इम्पैक्ट वाली इनिंग्स खेली है, तो आप इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो। इनके अलावा वी कुमार का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, बैटिंग ऑर्डर नंबर 6-7 पे रहेगा, तो आप ड्रॉप करके चल सकते हो। ए नईम के बारे में बात करें दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर इनका भी काफ़ी नीचे रहेगा, ड्रॉप कर सकते हो, 2 विकेट कीपर को आप लेके चल सकते हो। बैटिंग में भी आपके पास अच्छे ऑप्शन है, यू शाह का ऑप्शन है। देखो लास्ट मैच में तो खेले नहीं, बट अगर खेलते तो ओपन करेंगे, लास्ट मैच में तो खेले नहीं थे, तो उससे पहले 0 पे आउट हो गए थे। फिर दोस्तों 32 रन इन्होंने करे थे, 45 रन इन्होंने करे, 44 रन इन्होंने करे, तो हार्ड हिटर बैट्समैन है, मे भी अगर खेलते तो आप ज़रूर इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, बॉलिंग भी करवाते हुए नज़र आ सकते हैं। क्वासिम का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, ओपन करेंगे, लास्ट रन में 7 रन पे आउट हो गए, उससे पहले एक शतक वाली पारी भी इन्होंने खेली थी। फिर 7 रन इन्होंने करे, 0 करे, 40 रन करे, 27 करे, प्लस बॉलिंग भी करवा लेते, मस्त ऑप्शन है, आप इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हैं। ए हुसैन आपको इस मैच में ओपन करते हुए नजर आएंगे, लास्ट रन में 36 रन इन्होंने करे थे दोस्तों, उससे पहले 1 रन पे आउट हो गए थे, 4 रन पे आउट हो गए थे। एवरेज प्लेयर, स्ट्राइक रेट ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन देखो ओपन करेंगे इसलिए मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। जैदुद्दीन का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, परफॉर्मेंस के बारे में बात करें और बैटिंग ऑर्डर के बारे में हम बात करते हैं, तो यार जो बैटिंग ऑर्डर रहेगा ना काफ़ी नीचे हो जाता है, तो मैं इसलिए ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी ये बशीर का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करें नीचे रहेगा, आप ड्रॉप कर सकते हो। एन सिंह का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं एन सिंह के, तो यार इनका भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रहा, तो इनको भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, बाकी कोई खास ऑप्शन नहीं है। 2 आपके पास अच्छे ऑप्शन है बैटिंग में, अगर शाह खेलेंगे तो मैं इनको ज़रूर अपनी टीम में रखने वाला हूँ। इनके अलावा ऑलराउंडर में एस सिंह का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, एस सिंह एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं, आप इनको भी अपनी टीम में लेके चल सकते हो। बैटिंग ऑर्डर जो रहेगा वो थोड़ा सा हल्का फुल्का मिडिल ऑर्डर संभालते हुए नज़र आने वाले हैं, बाकी अगर परफॉर्मेंस देखते हैं हम इनका तो दोस्तों इतना कुछ खास तो नहीं रहा। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करवाते नहीं है, सेलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई है, बट मैं इनको अपनी टीम से अभी ड्रॉप करके चल रहा हूँ। इनके अलावा एस अहमद का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, सोहेल अहमद। परफॉर्मेंस के बारे में हम बात करते हैं तो नंबर 5 पे बैटिंग करते हैं, लास्ट रन में 10 रन इन्होंने करे, उससे पहले 33 रन इन्होंने करे, फिर 40 रन इन्होंने करे। इन 3 मैचेस में बॉलिंग से कोई विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन अच्छी बात यह है कि यार देखो बैटिंग भी कर रहे हैं,
नंबर 5 पे और बॉलिंग भी कर रहे हैं तो पॉइंट दे देंगे, तो इसलिए हम इनको अपनी टीम में लेके चल रहे हैं। लवप्रीत आपके पास एक अच्छे ऑप्शन है, लास्ट ओवर में तो कोई विकेट नहीं निकाल पाए थे दोस्तों, और उससे पहले 2 विकेट इन्होंने ज़रूर निकाले थे, और अच्छे ऑप्शन है यार, आप इनको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। नंबर 4-5 पे खेलते हुए नजर आएंगे। लास्ट मैच में 29 रन की एक अच्छी इनिंग्स खेली, उससे पहले अगर हम बात करें दोस्तों 19 रन इन्होंने करे, 29 रन अगेन करे थे, एक मस्ट ऑप्शन है, आप इनको अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो। इनके अलावा यहाँ पे पी पटेल का आपके पास ऑप्शन है, प्रशांत पटेल नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे, लास्ट ओवर में 27 रन करे, उससे पहले 6 रन इन्होंने करे, फिर 4 रन करे थे और 0 रन करे, वहीं दीसन के 4 मैचेस में 1 विकेट भी निकाली, ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे, इसलिए मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। एच भट्ट का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, लेकिन मैं इनको ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा यार, थोड़े से रिस्की प्लेयर होने वाले, आप ट्राई कर सकते हो। लास्ट ओवर में 0 विकेट निकाले थे, उससे पहले वाले मैच में भी विकेट लेस ही गए थे, पहले अगर टीम बॉलिंग करती है तो अच्छे ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं। फिलहाल मैं 3 ऑलराउंडर के साथ चल रहा हूँ बॉलिंग में। यहाँ पे एम हमज़ा का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, जिनको आप ट्राई करके चल सकते हो। अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यार देखो, लास्ट ओवर में तो कोई विकेट नहीं निकाल पाए थे, 0 विकेट इनके नाम थे, और उससे पहले वाले मैचेस में भी अगर हम बात करें तो कुछ नहीं रहा, लेकिन जो पहले 3 T10 खेले थे उसमें 3 विकेट निकाले थे, तो मे बी प्लेयर अच्छे विकेट आपको निकाल के दे सकते हैं, आप इनको ज़रूर अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हैं। इनके अलावा पी सिंह का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, इनके तो ओवर वगैरह ही कर सकते, के सिंह एक अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं दोस्तों, इस प्लेयर को ज़रूर आप ट्राई कर सकते हो। ओपन करेंगे, लास्ट ओवर में शतक लगाए थे 103 रन, उससे पहले 52 रन करे, 13 रन करे, प्लस लगातार विकेट निकालते हुए आ रहे, बॉलिंग भी करवाएंगे, तो एक मस्त ऑप्शन होने वाले है। आर अब्दुल का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, राणा अब्दुल मस्त ऑप्शन है, लास्ट ओवर में रीसेंट में 1 विकेट इन्होंने निकाला, और रीसेंट के 2-3 मैचेस जो खेले उनमें लगातार कंटिन्यू 1-1 विकेट निकालते हुए आ रहे हैं। टी कुमार के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तजिंदर कुमार एक और अच्छे ऑप्शन है, मिडिल ऑर्डर संभालते, रीसेंट में 24 रन इन्होंने करे, 23 रन भी इन्होंने करे थे, आप इनके साथ भी जो है जा सकते हो, एक गेम चेंजर इस मैच में आपके लिए बन सकते हैं दोस्तों। इनके अलावा यहाँ पे बी अली का आपके पास ऑप्शन होने वाले, बट ओवर वगैरह कर सकते हैं। एम रोकी के बारे में बात करें, पूरे ओवर शायद ना डाल पाए, रीसेंट के 3 मैचेस में 1 विकेट अभी तक इन्होंने निकाला है। शानोज का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में हम बात करें तो लास्ट ओवर में 1 विकेट इन्होंने निकाला, उससे पहले 3 विकेट, फिर अगेन 1 विकेट, आप इनको भी अपनी टीम में रख सकते हो। टी कुमार, के सिंह एक अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं, इनके अलावा आपके पास हमजा भी एक गेम चेंजर इस मैच में बन सकते हैं। कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर आप देखते हो दोस्तों, जिनको कर सकते हो, मुझे लगता है देखो के सिंह एक अच्छे ऑप्शन होने वाले हैं। इनके अलावा यहाँ से क्वासिम के साथ भी आप अपने इसमें जा सकते हो दोस्तों। इनके अलावा एस अहमद भी एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। फिलहाल ये हमारी टीम का प्रीव्यू, आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।